इंडिया के सर्वश्रेष्ठ चैनल संस्कृति संस्थान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों, स्वागत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, और एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना। फटाफट कमेंट्स करके बता दो आवाज सही आ रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी। चलते हैं टू द पॉइंट्स पे, चलते हैं फटाफट आ जाइए। और आज हम आपको करवाने वाले हैं मित्रों छंद का अगला भाग। मित्रों छंद का अगला भाग करवाने वाले हम बिल्कुल संस्कृत में। अपना जो छंद टॉपिक चल रहा है उसमें अगला भाग, अगला भाग का मतलब है कि आज से छंद का प्रारंभ करने वाले मित्रों। क्लियर? तो पहला छंद देखिए आप, पहला छंद हमारा कौन सा है मित्रों। बिल्कुल आज छंद की बात हो गई तो आपको देखो पूरा बेसिक चीज बता दी अपन ने, मात्रा के बारे में है, लघु के बारे में, गुरु के बारे में, गण चिन्ह के बारे में, गण चिन्ह कितने होते हैं, आठ होते हैं, कैसे लगाते हैं, तीन तीन वर्णों का एक गण होता है, आठ गण होते हैं, यह माता राज भानुशाल कम बता दिया। क्लियर? और अब चलते हैं अपन एक एक छंद के बारे में। तो सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा बोल दो आप सबके सब, और एक बार राधे बोल दो जोर से, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोल दो, और जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो क्लास को, लाइक और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों को, जितने भी ग्रुप है आपको सब में शेयर कर दो, सभी मित्रों को बोल दो क्लास प्रारंभ हो गई मित्रों। क्लियर? बिल्कुल बिना टाइम खराब करे तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं। तो संस्कृत में छंद टॉपिक की चर्चा हम करेंगे आज, और छंद में आज एक एक छंद को पढ़ाएंगे। बिल्कुल एक एक छंद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स कर दो, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मित्रों। ठीक है, तो छंद में आप सबसे पहले हम छंद ले रहे हैं मित्रों आर्या छंद। मित्रों आर्या छंद की बात करेंगे, और आर्या जो ये छंद है मित्रों इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा जो प्रश्न बनेगा कि यह एक मात्रिक छंद है। आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है अपन से कि मात्रिक छंद कौन सा, निम्न में से मात्रिक छंद बताइए। ठीक है, तो बस तो यह एक मात्रिक छंद है। बिल्कुल सबसे पहले है कि यह एक मात्रिक छंद है। सबसे पहला प्रश्न हमारे से यह पूछा जाता है कि मात्रिक छंद कौन सा, तो यह एक मात्रिक छंद है पहली बात। यह है मात्रिक छंद है मित्रों पहली बात। दूसरी बात पूछी जाती है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है क्या, तो आर्या छंद को, मात्रिक छंद को ही जाति छंद कहते हैं। तो आर्या कौन सा छंद है, तो यह देख लो जाति छंद है। एक बात यह भी याद रखने, यह जाति छंद है। कौन सा छंद है, जाति छंद। आपसे पूछा जाए जाति छंद कौन सा है, आर्या। मात्रिक छंद कौन सा, आर्या। तो यह तो छोटी सी बात हो गई हमारी, क्लियर। अब आती है बात किसकी, मूल बात आती है लक्षण की। छंद में सबसे पहले लक्षण की बात आती है। इसका लक्षण सबसे अलग तरीके से है मित्रों। लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट, अपने सभी मित्रों को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सबके सब स्टूडेंट जुड़ जाए। क्लियर? तो छंद टॉपिक में सबसे मूल बात केवल लक्षण ही है मित्रों। बिल्कुल उदाहरण को याद नहीं करना, उदाहरण तो आपको दिया जाएगा, आपको एक पंक्ति दे सकते हैं, दो पंक्ति दे सकते हैं, पूरा श्लोक दे सकते हैं, उसमें पूछेंगे छंद कौन सा है। क्लियर? तो उसके लिए हमने बताया था कि गण चिन्ह आपको याद होना चाहिए, यह माता राज भानुसलगम। कौन सा, यह माता राज भानुसलगम। बिल्कुल वो सूत्र याद होना चाहिए बस। तो सबसे पहले लक्षण पे अपन चलते हैं। तो देखिए लक्षण सबके याद करने आपको, बिल्कुल सबको। रीट वाला स्टूडेंट, रीट है, टेट है, सी टेट है, थर्ड ग्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट है, यदि वो हम ट्रिक्स से बताएंगे अभी, बस वो ट्रिक्स याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। आर्या के बारे में तो पूरी जानकारी उनको याद करनी पड़ेगी सभी को, और अनुष्टुप से ट्रिक्स पे काम हो जाएगा उनका। लेकिन और अन्य एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है उनको सब कुछ याद करना पड़ेगा। छंद, छंद की पूरी व्याख्या, मतलब छंद में लक्षण और लक्षण की पूरी व्याख्या, ठीक है, गण चिन्ह लगाना ना। हाँ, तो देखिए बिना किसी देरी के, यस्या प्रथमे पादे, यस्या प्रथमे पादे, यस्या प्रथमे पादे,
द्वादश मात्रा बिल्कुल यश्या प्रतिभि पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि ठीक है। केवल बस काम नहीं करेगी क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन अंदर से पूछेंगे और अनुष्टुप से स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीय। जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो जिसको याद हो लक्षण। अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो क्या कह रहा है, यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि है, यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सारिया। क्या कहता, यस्य अभी व्याख्या लिखवाएंगे, यस्य प्रथमे पादे पहले पाद में द्वादश मात्रा बारह मात्रा है तथा तृतीय अपि तीसरे पाद में भी बारह मात्रा है कि जिस मात्रिक छंद के, मात्रिक छंद ही है जो मात्राओं पे आधारित होगा यह, कि जिस मात्रिक छंद में पहले और तीसरे पाद में बारह बारह मात्राएं हो, प्रथमे पादे द्वादश पहले पाद में द्वादश यानी बारह मात्राएं और तृतीय अपि तीसरे में भी बारह मात्राएं हो और द्वितीय अष्टादश द्वितीय दूसरे पाद में अठारह मात्राएं हो और चतुर्थ के चौथे पाद में पंचदश पंद्रह मात्राएं हो सारिया, उसे आर्या छंद कहते हैं। तो क्या हो गया, जिस छंद के पहले और तीसरे पाद में, पहले और तीसरे चरण में बारह बारह मात्राएं हो, दूसरे में अठारह मात्राएं हो और चौथे में पंद्रह मात्राएं हो, उसे आर्या छंद कहते हैं। भाई सबको समझ में आ गया हो तो फटाफट हाँ बोल दो। मैं इसकी व्याख्या आपको जब तक लिखा देता हूँ फटाफट आंसर, बिल्कुल इसकी व्याख्या फटाफट कर देता हूँ और कमेंट्स में बता दीजिए सबको आ गया क्या। देखिए व्याख्या लिखवा रहा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है मित्रों। हाँ जी, मैंने बताया ना आज और कल एक दो दिन आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेज है क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ तो इस कारण से, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं लगेगी आपको, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग नहीं लगेगी आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के जैसे नहीं कर रहा, मैं लाइव के जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस कल कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ जी, तो देखिए जिस मात्रिक छंद के पहले, ठीक है ना, प्रथम बोलो पहले कोई दिक्कत नहीं, जिस मात्रिक छंद के प्रथम व तृतीय, प्रथम व तृतीय पाद में, पाद का मतलब चरण होता भाई, ठीक है मित्रों, हाँ चरण में, कि जिस मात्रिक छंद के प्रथम व तृतीय पाद में चरण में क्या हो, बारह बारह मात्राएं हो, कितनी बारह 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 मात्राएं हो मित्रों, ठीक है ना, बारह बारह मात्राएं हो, जिस मात्रिक छंद के पहले और तृतीय चरण में बारह बारह मात्राएं हो गया। अष्टादश द्वितीय पाद में जल्दी जल्दी द्वितीय पाद में कितनी मात्राएं हो, अठारह मात्राएं हो, द्वितीय पाद में अठारह मात्राएं हो तथा चतुर्थ पाद में क्या, चतुर्थ के पंचदश और चतुर्थ पाद में पंद्रह मात्राएं हो, ठीक मित्रों। जिस मात्रिक छंद के प्रथम व तृतीय चरण में बारह बारह मात्राएं,
द्वितीय पाद में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं हो तथा कुल कितनी भाई है 15 मात्राएं हो 15 मात्राएं ठीक है। और कुल कितनी हो गई भाई देखिए 12 प्लस 12 कितने हो गए 24 ठीक है ना 12 24 हो गए 24 और 18 कितने हो गए 42 42 और 15 कितने हो गए टोटल कितनी हो गई 57 कितनी मात्राएं 57 मात्राएं हो कुल 57 मात्राएं हो ठीक है मित्रों। जिस मात्रिक छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं द्वितीय में 18 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं और कुल 57 मात्राएं हो ठीक है मित्रों उसे मात्रिक छंद है उसे आर्या छंद कहते हैं वो उसे आर्या छंद कहते हैं उसे आर्या छंद कहते हैं। भाई फटाफट बता दीजिए सबको आ गई तो कैसे मात्राएं होती है अभी सब कुछ बताऊंगा केवल अभी तो केवल इतना समझे कि जो लक्षण है कि प्रथम पाद द्वादश पहले पाद में द्वादश मात्राएं तृतीय पी और तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं और द्वितीय में 18 और चौथे में 15 मात्राएं हो ठीक है। तो जिस मात्रिक छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं कुल 57 मात्राएं हो कुल कितनी हो 57 मात्राएं उसे हारी क्लियर मित्र। अब मात्रा का कैसे संबंध है तो देखिए मित्रों लघु की कितनी मात्रा बताई थी हमने अरे लघु की कितनी मात्रा एक मात्रा लघु की कितनी मात्रा बताई थी एक मात्रा गिननी है और गुरु की कितनी मात्रा बताई थी गुरु की कितनी मात्रा बताई थी दो मात्रा कितनी मात्रा दो मात्रा तो लघु की एक मात्रा गिननी है और गुरु की दो मात्रा गिननी है क्लियर मित्रों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्लियर। अब देखिए अब आपका उदाहरण की बात करता हूं जल्दीबाजी नहीं करनी भाई इस वाले में हाँ इस वाले में काम थोड़ा अलग है औरों में केवल एक ही लाइन में यदि गण चिन्ह लगा देंगे ना तो भी काम चल जाएगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा मात्राओं का काम है तो चारों पे लगा के बता देता हूँ ताकि आपका दिमाग खुल जाए बिल्कुल जबकि आपको कुछ भी याद नहीं करना आपका कभी भी आर्या का उदाहरण नहीं दिया जाता आर्या में से तो प्रश्न पूछे जाते आपको बिल्कुल आर्या में से तो प्रश्न पूछे जाते आपको कि आर्या छंद के प्रथम और तृतीय पाद में कितनी मात्राएं होती है प्रथम में कितनी मात्राएं होती है तृतीय पाद में कितनी मात्राएं होती है द्वितीय पाद में कितनी मात्राएं होती है चतुर्थ पाद में कितनी मात्राएं होती है कुल मात्राएं कितनी होती है इस प्रकार से क्लियर। लेकिन फिर भी आपको एक एक उदाहरण बता रहा हूं तो देखिए इसका उदाहरण ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल ये आपके दिमाग में बैठाने के लिए ताकि आपकी जो जिज्ञासाएं हो किसी स्टूडेंट की जिज्ञासाएं हो तो वो भी हो जाए गुरु जी है ये मात्राएं कौन सी होती है कैसे लगाएंगे क्या लगाएंगे इसलिए मैं उदाहरण आपको लिखवा रहा हूँ। सबके उदाहरण की जरूरत नहीं है आप पूरे छंदों के उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने आप ही देखना आपको अगर गुरु जी कोई जरूरत नहीं है हमारे को देखिए मतलब उदाहरण देखिए आराम से आपरितोषाद विदुषाम आपरितोषाद विदुषाम आपरितोषाद आपरितोषाद विदुषाम ठीक है ना न साधु एक ही बात ध्यान रखना मित्रों कभी भी कोई मिसप्रिंट हो जाए कोई गलत लिखा हुआ हो कोई अशुद्ध लिखा हुआ हो तो ही मात्रा या गण चिन्ह नहीं बैठते चाहे वो कोई सी भी किताब हो बिल्कुल कोई सी भी किताब हो कोई से भी नोट्स हो यदि मिसप्रिंट है गलत छपा हुआ है अशुद्ध छपा हुआ है तो ही गण चिन्ह नहीं लगता बाकी शुद्ध आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम भाई इसमें उदाहरण याद नहीं करना किसी भी स्टूडेंट को केवल लक्षण लक्षण याद करना उदाहरण याद नहीं करना
आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि। हाँ बलवद है ना, बलवद अपि, बस अशुद्ध नहीं लिखना, अशुद्ध होते ही हो जाएगा काम, है ना। बलवद अपि शिक्षितानाम, बलवद अपि शिक्षितानाम, बलवद अपि शिक्षितानाम, बलवत अपि शिक्षितानाम, आत्म, हाँ जी, आत्म अन्य प्रत्यम चेत आत्ममन्यम, आत्ममन्य प्रत्यम चेत, तो कहीं पे भी कोई अशुद्ध होगा या मिसप्रिंट होगी तो ही कुछ होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है किसी भी नोट्स में बुक में, तो उसकी घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो बस इतना सा गया। अब देखो भाई मात्रा कैसे लगाई है, ध्यान रखना कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ ये जल्दीबाजी का काम नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी का काम नहीं होगा, क्योंकि जल्दीबाजी करते मात्रा गलत लगा दी, हलंत नहीं लगाया, विसर्ग ज़्यादा लग गया, कुछ भी हो गया ना, तो बस वहीं पे नहीं बैठेगा। हाँ ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। देखो अब आती है जो लघु गुरु गणचिन्ह लगाना बताया था ना मैंने आपको, वो गणचिन्ह लगाने। मित्रों लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। देखो बिल्कुल यहाँ पे इतना खो जाता हूँ, ये यहाँ पे खोने की बात है, यहाँ पे खोने की बात है, यहाँ पे लाइक शेयर बोलने की दिमाग में नहीं आती, अभी पूरा फोकस यहाँ पे रहता है। देखिए आ बड़ा है तो गणचिन्ह जो लगाना बताया था मैंने, वो गणचिन्ह आपको लगाने हैं, क्लियर। तो देखो आ कौन सा गुरु, देखो लघु और गुरु जानते हो, कोई लघु होगा उसके लिए क्या लगाना है, एक, ये, और इसकी कितनी मात्रा गिनेंगे, एक मात्रा, कितनी मात्रा गिनेंगे, एक मात्रा। और गुरु होगा तो गणचिन्ह कौन सा, ये चिन्ह लगाना है, इसकी कितनी मात्रा गिनेंगे, दो मात्रा, बस ये ध्यान रखना है। मिसप्रिंट कहीं पे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, देख लो गुरु प लघु री छोटी आ गई लघु, ध्यान रखो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में आया, ध्यान रखना आज जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास में आया है वो स्टूडेंट धैर्य बनाए रखे बेटा, वो स्टूडेंट धैर्य बनाए रखे, जितना हम बोल रहे हैं वो इतना सुने और आगे देखे, क्योंकि उसको पहले की दो क्लास तीन क्लास जो हमने करवा दी है वो पहले दो तीन क्लास उसको देखनी पड़ेगी, जब ही उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं है आज समझ में आएगा, आज तो आएगा ही, लेकिन जो जो हम बोल रहे हैं वो वहाँ पे मिलेगी। जैसे हमने बोल दिया भाई लघु का ये चिन्ह है तो हमने लिखा दिया, लघु की एक मात्रा होती है वो लिखा दिया, गुरु का ये चिन्ह होता है, गुरु की दो, तो सब कुछ मैंने लिखवा दिया। ठीक है मित्रों, तो जो स्टूडेंट नया है वो धैर्य रखे, यदि वो बार 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 कमेंट्स करके, क्योंकि आज मैं रिकॉर्डिंग है नहीं है तो मैं आपका कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, तो जो स्टूडेंट ये कहेगा ना गुरु जी नहीं समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो उसका ध्यान केवल कमेंट्स में है, केवल इतना लिखने में टाइम लग रहा है, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो वो कमेंट्स भी नहीं करे, करे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन मैं देख लूँगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि जब तक पहली तीन क्लास नहीं देखोगे ना तोड़ जी, तो पूरा ध्यान के लिए यहाँ पे रखे, कमेंट्स नहीं करो आप। देखो आ बड़ा होता तो बड़ा जो होगा ना दीर्घ उसमें गुरु आएगा, ए छोटा है हस्व जो होता है उसको बोलेंगे लघु, री छोटी मात्रा हो गई लघु, तो मैं को बड़ा गिनते हैं, ये बड़ा गिनते हैं गुरु, सा बड़ा गिनते हैं, लेकिन आधा आ गया ना तो ये आधा भी शी में मिलन हो गया, आधा का कोई महत्व हो गया इसमें मिल गया तो गुरु, क्लियर मित्रों। अब वी कैसी है, छोटी लघु, दू कैसा छोटा लगा दो, इसके ऊपर क्या है अनुस्वार भी है गुरु भी है तो ये गुरु ही माना जाएगा। यहाँ पे देखो न छोटा है लघु, सा बड़ा है गुरु, दू छोटा है लघु। अब मैंने एक बताया था कि आधे अक्षर से पहले वाला गुरु हो जाएगा तो इसको आधा, ये आधा अक्षर इसमें मिल गया इसलिए क्या हो गया गुरु, तो आधे अक्षर से पहले वाले मैं क्या बताया था गुरु, जब भी बोल रहा हूँ कि पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी आप पूरा ध्यान यदि
स्लाइड पे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बड़ा होता है बड़ा, प्र छोटा है रे, ठीक है ना, प आधा तो कोई महत्व तो नहीं होता, तो ए तो प्र प्रा जो आए तो ये छोटा मानेंगे। ओ की मात्रा यहाँ पे गुरु हो गया, ग छोटा है, वी भी छोटा है, लेकिन इससे पहले संयुक्त वर्ण आ गया। तो अपने आपको एक नियम लिखवाया था कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण, आपको लिखवाया था एक नियम कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता तो इसको क्या मानोगे, गुरु, इसको क्या मानोगे, गुरु। क्लियर। आ में ग्या में आ की मात्रा गुरु है ही, ये भी आधा अक्षर से पहले आ गया तो ये भी क्या माना जाएगा, गुरु। क्लियर, ठीक है मित्रों। मैं पहले चिन्ह लगा रहा हूँ फिर एक साथ गिनूंगा। ब छोटा है, ल भी छोटा है, व भी छोटा है, द भी छोटा है, पी भी छोटी है, लघु हो गया। सी, अब देखो यहाँ पे संयुक्त वर्ण आ गया तो संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण जो होता है तो गुरु हो जाता है। संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु। ध्यान रखना नए स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धैर्य रखना। यदि नए स्टूडेंट जो पहली बार आया है वो बार बार लिखेगा गुरु जी समझ में नहीं आया, तो आप लिखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे पूरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा नए स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो संयुक्त अक्षर से एक नियम लिखवाया था कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता तो उसको गुरु मानेंगे, छोटी होते हुए भी गुरु मानेंगे। यहाँ पे छोटी में छोटी मात्रा है तो लघु हो गया, ता में आग की मात्रा है बड़ा हो गया, नाम में देखो आधा अक्षर भी आ गया लेकिन ना बड़ा है तो ये गुरु। फिर आग के बाद में भी आधा अक्षर आ गया तो इसको भी गुरु, मैं के बाद में आधा अक्षर आ गया तो इसको भी गुरु। ध्यान से देख रहा, ठीक है ना। प्र कोई मतलब नहीं है इसका, प्र छोटा है ना, ये छोटा, प्र छोटा, ठीक है ना मित्रों। एक मिनट, त आ गया, एक मिनट, आधा व्यंजन त आ गया ना यहाँ पे, प्र के बाद में क्या आ गया, त आ गया, प्र के बाद में त आ गया ना तो गुरु आ गया। यह हमारा कौन सा, लघु। यहाँ पे अनुसार एक नियम बताया था कि अनुसार जिसके ऊपर होगा वो भी क्या होगा, गुरु। छेद की मात्रा बड़ी में आती है और जिसके अंत में विसर्ग होगा वो भी गुरु माना जाएगा। क्लियर मित्रों, तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देख लीजिए सबके सब, सबके सब देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई बात आती है तो कहीं पे कम होगा तो फिर देखना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। हाँ, कहीं पे कम होगा तो फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अपना हो गया। देखो देखो इसकी कितनी मात्रा गिनोगे, अलग से आय में ले लेता हूँ ताकि ध्यान रहे, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जितना आप सरल समझते हो उतना सरल नहीं है, ठीक है मित्रों, कठिन समझते हो उतना कठिन भी नहीं है। ये तो मैं गण चिन्ह लगा रहा हूँ ना एक एक अक्षर को, नियम को। देखो इसकी कितनी गणनी है, दो, इसकी कितनी है, एक, इसकी एक, इसकी दो, इसकी दो, इसकी एक, इसकी एक, इसकी दो। क्लियर मित्रों, देखा एक बार इनको गिन लो तो कितना हुआ, दो रे तीन रे चार, चार दो छ, छ दो आठ, आठ एक नौ, नौ एक दस, दस दो बारह। भाई ये पहला चरण है, ये पहला चरण है, देखो 12 मात्राएं हो गई क्या भाई, फटाफट देखो भाई 12 मात्राएं हो गई क्या, फटाफट कमेंट्स करके बता दो। दो एक तीन एक चार दो छह दो आठ, आठ एक नौ एक दस दो बारह हो गई भाई। अब इधर गिनो, एक गुरु की दो, लघु की एक, गुरु की दो, गुरु की दो, इसकी एक, गुरु की दो, लघु की एक, गुरु की दो, गुरु की दो, गुरु की दो। फटाफट कमेंट्स करके बता देना। हाँ, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट नए आए उनको धैर्य रखना पड़ेगा, और मेरी पिछली क्लास कोई इस क्लास से ये मत समझ लेना गुरुजी मेरे तो समझ में नहीं आया, तो पिछली तीन क्लासें देखना फिर बाद में कमेंट्स करना, क्योंकि अभी छंद टॉपिक है अभी। हाँ, दो चार पाँच दिन चलेगा, पाँच सात दिन चलेगा, डेली के दो तीन छंद ही होंगे ना, तो अभी दो चार दिन चलेगा तो धैर्य रखना। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं करे, ठीक बेटा। हाँ देखो यहाँ पे एक, अब देखो एक और दो कितनी होती है, तीन, तीन रेख चार, चार दो छ, छ दो आठ, आठ एक नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह रेख बारह, बारह आठ दो चौदह, चौदह दो सोलह, दो अठारह। भाई इसमें अठारह मात्राएं हो गई, अभी लक्षण बता दूंगा मैं सबको, अभी लक्षण बता दूंगा। यहाँ पे अठारह मात्राएं देख लो भाई, अठारह मात्राएं हैं, पहले लक्षण देख लेना, अभी बता दूंगा, ठीक है मित्रों। देख लो ये लक्षण रहा,
हमारा ये रहा लक्षण प्रथम व तृतीय पाद में, तो देख लो इधर अलग लिख दूं मैं, प्रथम पाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए, प्रथम पाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए, देख लो प्रथम व तृतीय पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होनी चाहिए। अभी सबको गिना दूंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो तृतीय आ गया, तो तृतीय पाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए, कहाँ पे कमी ज़्यादा होगी तो अपन और देख लेंगे। और चतुर्थ में 15, भाई फटाफट बता दो, ये बातें समझ में आ गई क्या भाई? इतनी होती है ना। अब देखो प्रथम और द्वितीय में देखो भाई 12 और 18 आ रही है क्या, फटाफट देखो 12 और 18 आ रही है, देख लो पहले में 12 आ रही है, दूसरे में 18 आ रही है, आ गई होगी, अरे आ गई ना। अब इधर आ जाओ, एक 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 एक, गुरु की दो, लघु की एक, गुरु की दो और इसकी दो, भाई यहां से यहां तक गिन लो, भाई कितनी हुई देखो, एक रेख, दो रेख, तीन रेख, चार रेख, पांच, पांच दो, सात, सात रेख, आठ दो, दस दो, बारह। भाई देखो तीसरे में 12 मात्राएं होती है ना, भाई तीसरे में 12 मात्राएं होती है, देख लो तीसरे में 12 आती है ना, 12 भी आ गई। अब चौथे में देखो 15, देखो कितनी, दो और दो चार, एक पांच, पांच दो सात, सात रेख, आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, दो चौदह, भाई एक कम बढ़ गई, एक मिनट। हाँ जी, इधर देखो, बिल्कुल इधर देखो, एक बात देखो, यहाँ पे एक कम पड़ गई ना। अब देखो एक कम क्यों पड़ी, इधर देखो एक कम इधर पड़ी कि ये जुड़ा हुआ प्रत्यय, आत्म प्रत्यय में जुड़ा हुआ मित्रों, आत्म प्रत्यय में जुड़ा हुआ, और ये जुड़ा हुआ होने के कारण इधर देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्र इसमें जुड़ा हुआ है तो आधा ये आ गया। देखो प्र कैसे बनता है, प और रैसे, तो प इसमें जुड़ गया तो ये क्या हो गया, गुरु। क्लियर? तो कहीं पे मिस प्रिंट हो जाएगी तो गड़बड़ होगा, ठीक है ना, कहीं पे भी मिस प्रिंट हो जाए तो ये ध्यान रखना जब ही आएगा, और इसके ऊपर लगा दो दो, ये तो बोला कहीं पे मिस प्रिंट थोड़ा बहुत भी हो जाएगा ना, वहीं पे गड़बड़, दो यहां पे कितनी आएगी, दो दो, ठीक। अब देख लो पूरी है, तो कितनी, दो दो चार, दो छह, दो आठ, नौ, नौ दो ग्यारह, दो तेरह, दो पंद्रह, देख लो 15 मात्राएं हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक छोटी सी गलती के कारण भी गलत हो जाता। अब यदि आत्मन्य प्रत्यय को अलग लिख दिया ना, उसी से हो गया आपका, तो सबको आ गई होगी, देख लो 12 मात्राएं, 18 मात्राएं, 12 मात्राएं, 15, भाई सबको आ गई तो एक बार फटाफट हाँ बोल दो, सबको आ गई तो फटाफट हाँ बोल दो, और यह आपका आर्या छंद पूरा हो गया, यह आपका आर्या छंद हो गया। इसलिए ज्यादा टाइम लगा है कि हो सकता नए स्टूडेंट आए हो। दूसरी बात, यहां पे एक एक ऊपर गण चिन्ह भी लगाना है, गण की एक की एक मात्रा, दो मात्रा वो भी लगानी है, और टोटल भी लगाना है। ये केवल आर्या में होता है, बाकी वर्णिक छंद आएंगे वहां पे जरूरत नहीं है अपने को, वहां पे तो ऐसे गिनना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, अक्षर गिनने की, और क्लियर है तो सबको आ गया होगा। क्लियर मित्रों? तो रिकॉर्डेड क्लासेज है, और कल से आपकी वही लाइव क्लासेज होगी, कमेंट्स लिख के देवे, कमेंट्स में देख लूंगा, बाकी कल अगली क्लास में और आप अच्छी तरीके से देख लेवे। सबको पता है क्लासेज आदि, और किसी भी स्टूडेंट को ध्यान रखे, बिल्कुल बता दूं, ये मेरी बुक है, मेरी पुस्तकें हैं, जो मैं खुद कोरियर से भेज रहा हूं, रीड संस्कृत के लिए, व्याकरण, शिक्षण विधि आदि सब कुछ है इसमें, पूरा वर्णात्मक और पूरी वस्तुनिष्ठ है। कोई सी टेट के लिए मंगाना चाहे, सी टेट की भी ये किताब है, कोई मॉडल पेपर रीट और सी टेट के लिए मंगाए उसके लिए भी है, हिंदी के लिए पूरी किताब है, क्यों सब एग्जाम दो, पूरे भारतवर्ष में कोई सा भी एग्जाम हो, ये हिंदी की किताब है, ये हिंदी के लिए, पीएसआई आदि का कोई एग्जाम दे रहा हो स्टूडेंट तो पीएसआई की है,
और कोई फर्स्ट ग्रेड संस्कृत से कोई एग्जाम दे रहा हो तो उसके लिए भी है। तो इन सभी पुस्तकों के लिए पूरी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डाउनलोड होने में दिक्कत आती है, हैं डाउनलोड होने में दिक्कत आती है तो इस कारण से, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। हाँ जी, तो जिस भी स्टूडेंट को पूरी जानकारी चाहिए, किताबें आदि सबके बारे में मैंने बता रखा, ये किताबें मेरी, किताबों के बारे में पूरी जानकारी जो भी चाहिए पूरी किताबें आपकी है, और इन सबकी पूरी जानकारी के लिए क्या करना है, देखिए क्लास को लंबी नहीं क्योंकि फिर अपलोड नहीं होती इसलिए छोटी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 100 सब्सक्राइब करवाने हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 100 छात्रों को पूरी जानकारी के लिए, किताबों की जानकारी के लिए, कौन सा बैच टाइम, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी है, मैं प्रत्येक क्लास का लिंक स्टेटस पे लगाता हूँ, प्रत्येक क्लास का लिंक स्टेटस पे लगाता हूँ, तो आप लोग अपना नाम और क्लास का नाम लिख करके मेरे इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है, क्योंकि सभी क्लास का लिंक मैं स्टेटस पे लगाता हूँ, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है, समझ में नहीं आया हो, पिछली पूरी क्लास देखना बेटा, क्योंकि नया स्टूडेंट है तो उसको, मेरे को लगता है कि हो सकता कोई समस्या आ जाए, तो पिछली क्लास देख ले वे, और बाकी कल से मैं लाइव खुद आऊँगा तो वहाँ पे पूछ ले, ठीक। तो जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।